Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. शाजिया नजर नहीं आ रही। जी भाभी, वो कमरे में होगी, आराम कर रही है। मैं बुला के लाती हूँ उसे। हाँ जी। तस्वीर लाई हो? जी। Thank you.
अल्लाह, सारे काम मेरे से करा लिए। शुक्र है अल्लाह, सब काम हो गए। चलो भाई, सब आ गया। ये रहे जूते, अच्छा जी ये कपड़े हो गए, लेबर भी हो गया, सारिन की शेरवानी। अरे गाड़ी में तो नहीं है? अरसे शेरवानी भूल गए तुम? या अल्लाह, अरे कल बारात है, शाम को मेहंदी है, इतने सारे काम करने हैं। तुम अभी जाओ फौरन लेकर आओ। सांस लेने दे, अभी इतना सारा सामान लेकर आया हूँ, चला जाता हूँ थोड़ी देर। पापा है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप खफा हैं मुझसे? नहीं तो? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे बड़े बेटे की शादी हो रही है और माशाल्लाह से मेरी अकलौती बेटी जिसने भाई की शादी के सारे इंतजाम संभाल लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया। दुल्हन के कपड़े, जेवर, भाई के जूते, सब कुछ तुमने किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेटा। खबरदार जो तुमने इसकी हमायत की हो तो। नहीं नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और क्या जरूरत थी इतनी जल्दी आने की, आराम से आती, बल्कि मेहमानों के साथ आती, तुम्हें तोहफे देते, तुम्हारा इस्तकबाल करते। मैं देख रही हूँ जो मेहमान कह रहा है। काम बिगाड़ने ही आती, काम करने को ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे, मेहमानों की तरह से तो आती हो तुम। अरे एक काम बता दो जो तुमने अपने भाई की शादी के लिए किया हो। अम्मी आप जानती तो हैं शहरयार को, मेरे बिना एक ग्लास पानी का भी नहीं पीते हो। और आप बताइए मैं ऐसे हालात में क्या करूं? अरे लोगों की बेटियां घरों में एक एक हफ्ता पहले आ जाती हैं, और तो और हमारे दामाद को देख लो, बीवी पे कब्जा करके बैठ गया। अच्छा ना अम्मी, अब मैं आ गई हूँ। अब बताइए बताइए मुझे क्या काम करना है। तुम जाओ बेटा, जाके भाई की शेरवानी लेकर आओ। भाई की शेरवानी? अम्मी सारिन भाई की शेरवानी अभी तक नहीं आई? तुम किस कदर निखट्टू, निकम्मे, बेकार और सुस्त इंसान, और आते तुम मुझे कर रहे हो? मुझे कुछ रह गया? और नहीं, बहुत है। अम्मी मैं लेकर आता हूं, दो कप चाय तो इससे बनती नहीं, वो आप बनवा लें फिर देखिएगा। चोंच बंद करो, कर दूंगी मैं, बना दूंगी अम्मी। अच्छा अच्छा बस, अरे काम से जा रहे हैं। अम्मी मुझे भी अरसिम से काम। एक सेकंड अरसिम। बस अब दोनों की खटपट में ना सारा वक्त जाया हो जाएगा। अरे इस घर में इतने काम पड़े हैं, कौन देखेगा? अगर मैं ना हूं ना तो पता नहीं क्या हाल हो इस घर का। रुको 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 रुको, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। बहरे हो? सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओके बराबर। अब वो आ रही है? कौन? सालिहा मुमानी। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ना करे वो आए। अच्छा बस बहुत हो गया, सुनैना की बात कर रही हूँ। अच्छा ओ वो क्यों? अरे देखो मैंने सोचा शादी पर तो वो आ ही रही होगी, मौका अच्छा है, क्यों ना मुझसे रिश्ता पूछ ले। तुम जाओ, मम्मी जाएंगे, भाभी जाएंगे, भाई जाएंगे, जरा प्रॉपर तरीके से। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, वो भी प्रॉपर तरीके से, तो क्या करोगे? क्यों इनकार करेंगे? लड़का क्या करता है? अगर ये पूछ लिया हमसे तो हम क्या कहेंगे?
फारिग लड़कों को ना कोई रिश्ता नहीं देता। जाओ कोई जॉब शॉप ढूंढो सारे भाई की तरह, ताकि हम भी ठाट से रिश्ता लेकर जाए। देखा था ना कैसे नाहिद मुमानी ने एक मिनट भी नहीं लगाया शाजिया भाभी का रिश्ता देते हुए। तो वैसे तो उन्होंने सारी जिंदगी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। छोड़ो ना यार, तुम क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो। कोशिश करती हूँ ना सोचो इस बारे में, लेकिन मैं नहीं भूल सकती अपने रिश्तेदारों के रवैये। कैसे अब्बू के गुजर जाने के बाद सबने हमें अकेला छोड़ दिया था। नाम के रिश्ते बस। चाट खाओगी? समोसे, इमली वाली चटनी भी, हाँ जूस भी। यस, बदतमीजी नहीं किया करो, शादी हो गई है मेरी अब। हाँ हाँ, देखा है मैंने शरियार को, बड़ा ख्याल रखता है वो तुम्हारा। ऐ तो क्या रहूँ देख क्या जे सबा इधर आओ। अरे आओ ना, शाजिया कहाँ? अपने कमरे में होगी। अरे अगर अपने कमरे में होती तो मैं तुमसे पूछती, नहीं है कमरे में तो फिर पार्लर गई होगी। अरे पार्लर उसको अकेले थोड़ी जाना था, हमें तो यहाँ बैठी है, किसके साथ गई होगी? तो फिर कहाँ गई होगी? अरे आहिस्ता बोलो, वो लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदार है ना, अगर इन्होंने जरा सा भी सुन लिया। क्या हुआ है, आप परेशान लग रही है? अरे नहीं नहीं सालिहा, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी की क्या बात है। सही। अच्छा वो शाजिया नहीं नजर आ रही है सुबह से? शाजिया, शाजिया अपने कमरे में है, नहा रही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहा रही है, सही। अच्छा नहा लेना तो उसे कहिएगा कि मुझसे आके मिल ले। हाँ हाँ, वो निकलती है तो तुमसे ही मिलेगी वो। अच्छा तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी सी चाय। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, बैठो तुम। आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या बोलती कि शाजिया घर पे नहीं है, कहीं निकली हुई है? अल्लाह करे ये किसी से कुछ कहे ना, वरना ये सालिहा है ना पूरे खानदान में घुमा देगी ये बात। जाओ तुम इनके पास जाके बैठो, मैं चाय बनाती हूँ लोगों के लिए। कहाँ चली गई? सही कहती है सोनिया, ऐसे फारिग इंसान से कौन शादी करेगा? तो फिर तुम इस फारिग इंसान के भाई की शादी में क्यों आ रही हो? वो तो मुझे आंटी और सोनिया ने इतना फोर्स किया, अब तो आऊंगी ना। नहीं मेरी कोई अहमियत नहीं। हाँ? मेरी कोई अहमियत नहीं। जरा सी भी नहीं। ये तो तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो शमसी फुपो है ना, अम्मी से मेरे बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी राबिया के बारे में, मेरे रिश्ते के बारे में। राबिया बहुत प्यारी सी वो? हाँ वही, बहुत प्यारी सी राबिया। बहुत प्यारी माशाल्लाह। कनाडा में सेटल है। क्या बात है, शादी के बाद कनाडा सेट हो जाऊंगा, उन्हीं का बिजनेस संभालूंगा। गुड लक यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तुम अभी कह रही थी ना मेरे भाई की शादी में आ रही हो, तो मैं अपनी मंगनी भी उसी पे कर लेता हूँ, पता नहीं वो फिर आए या ना आए। कनाडा रहते हैं ना यार, दूर है थोड़ा। कर लो पक्का। मैं लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। कनाडा जाओगे? अच्छी बात है, जाओ। ये देखो प्यारी राबिया। Oh.
नाराज होगी। तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरी कोई अहमियत नहीं, अब मैं तो वहीं शादी करूंगा जहां पे मेरी अहमियत होगी। मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी। कोई शमसी फुको प्यारी राबिया है? बहुत बदतमीज हो तुम, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। कुछ होश है तुम्हें? आज मेहंदी है तुम्हारी। जानती जानती हो, कुछ जानती होती ना तो इस तरह से बगैर बताए हुए ना निकल जाती। मैं हुमा को बता कर गई थी। क्या बता के गई थी? मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। लेकिन ये तो बता के नहीं गई थी ना कि कहाँ जा रही हो। बोलो कहाँ गई थी? यही गई थी, कहीं कहीं दूर नहीं गई थी। ये तुम करती फिर रही हो। क्या करती फिर रही हूँ मैं? किसी के साथ भाग तो नहीं गई थी ना? कर रही हूँ ना मैं ये शादी, और क्या चाहती हूँ? एहसान कर रही हो हम पे? मम्मी मैंने ऐसा नहीं कहा आपको। शाजिया मैं समझा रही हूँ तुम्हें, कुछ नहीं रखा इन किताबी बातों में, कुछ नहीं रखा इस मोहब्बत में। सारिम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, ऐश करोगी ऐश। शादी तो फिर भी कर रही हूँ, आप ही के कहने पे कर रही हूँ। आपकी जिद है ना, शादी कर रही हूँ लेकिन इस बात का वादा नहीं करती कि मैं खुश रहूंगी या नहीं। इस तरह से तो तुम्हारा घर नहीं बसता जिस तरह से बसाने जा रही हो तुम। 4-6 महीने में 3 बोल सुना के ना घर से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। लेकिन हुमा ने तो आपकी बात मानी थी ना, हुमा तो आपके नक्शे कदम पर भी चली थी, तो फिर हुमा को 3 बोल बोल के वापस क्यों भेज दिया के? लेकिन आपको यही फिक्र है ना कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी यहां आकर बैठ जाऊंगी, क्योंकि हुमा के यहां आकर बैठ जाने से मेरी शादी लेट हो गई। अगर मैं यहां आकर बैठ जाती हूं तो सबा की शादी लेट हो जाएगी। आपको बेटियों की फिक्र नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र कि बस किसी तरीके से सर से उतर जाए, है ना? लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मैं इस घर में नहीं आऊंगी, नहीं होंगी मैं इस घर में, नहीं करूंगी किसी को परेशान। अब आप जाएं और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए, और मैं आपसे वादा करती जब तक मेरी रुखसती नहीं हो जाती इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। हेलो, नहीं बस उठने ही वाला था। कौन सी कंसाइनमेंट? हाँ वो उसकी फाइल मैंने तानिया को दी थी, उससे ले लो। भाई भाई नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो जब तक थाई कंसाइनमेंट शिप में लोड ना हो जाए मुझे अपडेटेड रखना। कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरसिम यार कम ऑन यार, आज भी ऑफिस ऑफिस, शादी है आपकी फॉर गॉड सेक। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना अरसिम, यहाँ
अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखे तो किसी और पे रिलाई करना शुरू कर देती है। लेकिन भाई आज के दिन कम ऑन एंजॉय करें, शादी है आपकी, आज के दिन तो इस फोन को तो इधर दिखाया जाए। ये ना अब मेरे पास है। क्यों भाई? भाई किसी की भी कॉल आएगी मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। सही, फोन दो मेरा। आप हंस रहे हैं यार, मैं बोल रहा हूँ मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैं इतने सारे भी तो काम कर रहा हूँ, ये भी कर लूंगा, इसमें क्या कौन सी बात होगी भाई? यही तो मसला है अरसिफ कि मैं अपने भाई को जानता हूँ और अगर तुम हैंडल करोगे तो मेरे हाथ में नौकरी नहीं रहेगी। चलो शाबाश, बोल दो। तो क्या आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे पे? मैं जब कह रहा हूँ कि मैं कर लूंगा आप हंसे। अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ इसी वजह से उससे फोन मांग रहा हूँ। नहीं दूंगा मैं ये फोन। अरसिम नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फोन ठीक है यार, ये ले। थैंक यू। अरसिम शादी वगैरह होती रहेगी यार, लेकिन दफा जॉब चली गई ना फिर बहुत मुश्किल से हाथ में आने। तुम्हें ये बातें समझनी चाहिए, कल को तुमने भी नौकरी करनी है, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ओके? लेकिन प्लीज। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि क्या कोई काम था, पैसे चाहिए क्या हुआ? नहीं नहीं, ये शेरवानी लेके आया था आपकी यार, चेक करें, ट्राई करें, जल्दी से उठें। तुमने ट्राई किए? तो फिर असल में भी ये ऐसे ही होगी। ऐसे? वाह वाह मेरा शहजादा भाई, ये तो हैंग कर दो, मैं थोड़ी देर और सोऊंगा। लेकिन ये अब आप सिर्फ सोएंगे ही, फोन इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा वाकई में। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे वैसे भी शाम में मुलाकात हो तो रही है ना। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी, क्या कह रही थी सालिया मुमानी? शादी पर तो आ रही है ना? वैसे यहाँ कौन आएगा, शायद तुम्हारे ददियाल से कोई आ जाए, क्योंकि ननियाल वाले तो सब लोग नाहिद की तरफ ही जाएंगे ना। तो इस बात को लेकर परेशान है आप? अरे नहीं भाई, अब ऐसी बात भी नहीं है, अब तो मुझे आदत हो गई है रिश्तेदारों की बेरुखी की। तो क्या हुआ अम्मी, क्या बात, क्या है? पता नहीं क्यों सालिया कह रही थी कि उसे ऐसा लगता है जैसे जैसे शाजिया शादी से खुश नहीं है। क्यों, वो ऐसा क्यों कह रही थी? शाजिया ने ऐसी कोई बात की क्या? यही तो मैंने उससे बात की थी। फिर? नहीं, बता रही थी कि जब से मैं आई हूँ लड़कियां रोज ढोलकी रख लेती हैं, सब लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन शाजिया के कमरे से बाहर ही नहीं आती। उफ़ो अम्मी, सालिया मुमानी भी इतनी सी बात को लेकर अंदाजे लगाने बैठ गई। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है अम्मी, लड़कियों को अपनी शादी की खुशी होती है, लेकिन अपना घर छोड़ने की उदासी भी तो होती है ना, जहाँ इतने साल गुजारे हो आपने, और मामू की वफात को 2 साल ही तो गुजरे हैं, उन्हें याद करके उदास भी होती होगी वो। सही कह रही हो तुम, यही बात होगी। अच्छा अरे ये बाकी कपड़े भी जल्दी से इस्त्री कर लो, 7 बजे का टाइम है, ऐसा ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं और जब वहां पहुंचे तो साले हमें उन लोगों की तरफ से ताने दे। एन वक्त पे तुम चीजें याद दिलाती हो मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। तारिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिली है। एक मिनट अम्मी, भाभी क्या गम किस्मत वाली हैं जो इतने प्यारे मेरे भाई मिले उनको। और देख ले भाई, आज आपकी तारीफ मेरे अलावा और कोई नहीं करने लगा। मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं देखो सोनिया। हाथ इधर लाओ बेटा।
ये लो बेटा, मुंह खोलो, ये शगुन की मिठाई है। अब भाभी इसके मुंह में छाले हुए हैं, डॉक्टर ने मना किया कुछ खाने के लिए क्योंकि पानी भी नहीं पी पा रही है ये। तो कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ मैं खा लेती हूँ कुछ कुछ। एक और नहीं नहीं, आप फिर से उठाएं, बुरा था नहीं। अरे अरे मेरे लिए अर्शिल, क्या हरकत थी? क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? तुमने सकीना भाभी के हाथ से मिठाई क्यों नहीं खाई? क्या फर्क पड़ता? मिठाई ना खाने से शादी थोड़ी ना रुक जाएगी। तुम्हारी तो मुसलसल यही कोशिश है कि शादी किसी ना किसी तरीके से रुक जाए। ऐसा नहीं होगा अम्मी, ये शादी भी हो जाएगी और मैं इस घर से भी चली जाऊंगी, और फिर मेरे जाने के बाद मुमा और सबा की भी शादी हो जाएगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? बाप भी मरते दम तक ताना देता रहा, तुम भी दे लो। ठीक, मैं कुछ नहीं कहती। और ये जो मजलूमियत सजा रखी है तुमने अपने चेहरे पर, इसका क्या करोगी? सुनो, तुम्हारी शादी किसी गरीब लूले लंगड़े से नहीं हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है? उससे तो नहीं हो रही ना जिसको मैं चाहती हूँ, तो फिर किसी से भी हो, मम्मी क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। अगर मेरे लिए आसानियां पैदा नहीं कर सकती ना, तो मुश्किलें भी पैदा मत करो। इतना ही एहसास कर लो बेवा माँ का, बाहर वो सालहा हर कमरे में मंडलाती फिर रही है, वो अगर उसने कुछ सुन लिया और सकीना भाभी को फोन कर दिया फिर क्या करोगी तुम? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेती हूँ।
सी अगर मुस्कुरा नहीं सकती ना तो हम की मूरत बन के भी मत बैठो बेटा। तुम्हारी शादी होने वाली है, आप सारी जिंदगी मैं सारों के साथ गुजारनी हूँ। सारे बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तो खुश रहेगी उसके साथ। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मेरे बच्चे। होगी ना मेरी बच्ची? हाँ यार, मांगा है खुदाया मैंने रोके, कौन सी खुदाई मांग ली। क्या हुआ क्या हुआ? चोट लग गई है, दिख नहीं रहा। देखो किसी को बताना मत वरना मुझे भी डांट पड़ जाएगी। हाँ नहीं बताऊंगी। दिखाओ तो कहाँ लगी है। रहने दो। अच्छा यार कुछ और खेलें। क्या? शादी शादी खेलते हैं, मैं दूल्हा और तुम दुल्हन। तुम्हारी दुल्हन तो मैं कभी नहीं बनूंगी। अरे क्या हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी? मेहमान वेट कर रहे हैं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? मैं सारिम से शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या कमी है सारिम में? आपको याद है अब्बा क्या कहा करते थे कि मेरी शाजिया अरसिम के साथ जचती, और अगर ये बात सकीना आपस से भी करनी पड़ी तो मैं कह दूंगा। इस वक्त भी आपको कोई एतराज नहीं था, तो फिर अब क्यों? मेरी बचपन की मोहब्बत है अरसिम, मैंने बचपन से सिर्फ उसी के बारे में सोचा है अम्मी, और अब आप कह रही हैं कि मैं सारे उसे शादी कर लूं। क्यों? देखो शाजिया, अगर तुम्हारे अब्बा होते ना तो उनका भी फैसला यही होता, और अरसिम अभी पढ़ रहा है वो भी सारिम के खर्चे पे, उसको कामयाब होते हुए 4-5 साल लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, मैं कर लूंगी इंतजार। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे सबा की भी शादी करनी है, और वैसे भी हुमा तलाक लेके घर में आके बैठ गई है। मुझसे नहीं होती, 3-3 बेटियों की रखवालियां। और एक बात बताओ, अरसिम अगर कामयाब भी हो गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे ही शादी करेगा? तो मैं मना लूंगी, मैं वादा करती हूँ, आप परेशान मत हो, वो करेगा। बस बस अपने आंसू पोंछो और चाय लेके बाहर आओ। लेकिन मैं नहीं आऊंगी बाहर, मुझे नहीं करनी शादी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। बस तो मत आओ, मैं इसी चाय में जहर मिला के ना हुमा और सबा को भी पिलाऊंगी और खुद भी पीऊंगी।
फिर करती रहना अपनी मनमानियां, समझी तू? अम्मी, 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 अम्मी। शाजिया बिनते सलीम, आपको सारिम इकबाल वल इकबाल, आपको 2 लाख रुपए सिक्के राजुल वक्त निकाह में कबूल है? दिखता हूँ।